आपने गुरमीत का परफॉर्मेंस तो देख लिया, अब देखिए मैं अपनी मॉम को कैसे सरप्राइज करता हूँ। मैं चाहता था कि मेरी मॉम एक दिन के लिए ऐसा महसूस करे कि वो सेलिब्रिटी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये फोटोशूट उनके साथ किया जाए और उम्मीद करूंगा मैं कि यू नो शी जस्ट लाइक्स इट। तो इसीलिए सुबह मैंने उनसे कहा कि आज आप मेरे साथ फोटोशूट पर चलो। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो मुझे गाड़ी से उतरते ही मेरे लिए एक अम्ब्रेला आया, तो मैं देख के थोड़ा ताजुब में पड़ गई कि ये सब मेरे लिए क्यों हो रहा है। फिर मुझे सिद्धार्थ ने बताया कि मॉम आज का ये सारा शूट मैंने आपके लिए किया है। मॉम ये है विशाखा। हेलो मैम। हाय बेटा। ये आपको मेकअप करी। और ये है सृष्टि। हेलो मैम। ये आपके बाल सवारी। हाय बेटा। आज का शूट उसने ये सब मेरे लिए प्लान किया था। अब मुझे ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही कि मैं सच में एक स्टार हूँ, क्योंकि अब मैं मेकअप करवाने जा रही हूँ। जब मुझे मेकअप करवाने के लिए जाना पड़ा मेकअप हुए, तो मुझे सच बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और मुझे एकदम स्टार फीलिंग आई और मुझे लगा कि मैं भी शायद मेकअप करके दूसरे एक्ट्रेसेस के जैसे ब्यूटीफुल लगने लगूँ। Looking wonderful. She's my mother, you know? Yes, of course. Same one that I left, right? Yes. See, I told you. What a chalagra. Really? No, seriously. I am not looking at the mirror. No, you please look. Then you won't look off the mirror. जब मैंने उन्हें देखा तो आई वाज मोर देन सरप्राइज, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रही थी। और फिर जब वो सब हुआ तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है हो गया, और फिर मैंने बोला कि नहीं मॉम बहुत कुछ भी है, और फिर मैंने उन्हें पूजा से मिलाया। हेलो मैम। हाय। पूजा ने मुझे बहुत सुंदर कपड़े पहनाए। मैं पहले शुरू में थोड़ा सोच रही थी कि ये कपड़े मैं पहनूं कि नहीं पहनूं, मेरे ऊपर अजीब सा लगेगा। मॉडर्न कपड़े हैं, मैं बहुत सिंपल पहनती हूँ। सिंस आप सलवार सूट पहनते हैं तो मैंने सोचा हम कुछ अलग ट्राई करते हैं। ये पहनकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है ओवरऑल मैं आज बिल्कुल एक्ट्रेस जैसी लग रही हूँ। आई एम लुकिंग। सिद्धार्थ ने तो जब मुझे देखा तो देखता ही रह गया, उसको तो यकीन ही हो रहा था कि मेरी मॉम है जो किचन में खड़े होकर मेरे लिए रोटियां बनाती है। कितनी खूबसूरत लग रही है आप मॉम। बहुत ग्रेस, बहुत ग्रेस। उसके खुशी उसके आंखों से मुझे दिख रही थी। आपको पता है आपके लिए एक और सरप्राइज। अभी क्या बचा है? ये है नकुल। हेलो। नकुल है आपके फोटोग्राफर। बहुत अच्छे लग रहे हैं आंटी आप। अब आपका फोटो शूट है, अब बैठ जाओ यहाँ पे। थैंक यू। मैंने सोचा कि आज ये फोटो शूट उनके साथ किया जाए और उम्मीद करूंगा मैं कि यू नो शी जस्ट लाइक्स इट। मेरे लिए ये ना भूलने वाला दिन है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा दिल से खुश हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन मेरे जीवन में आएगा। फोटोशूट करते हुए इतना मज़ा आया कि मैं सोचती हूँ मैं हर रोज़ स्टूडियो आऊँ और हर रोज़ यही काम करूँ, घर का सब काम छोड़ दूँ। आगे लीन करके उधर देखो बस। कैसा लगा था आपको? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कभी नहीं भूलूंगी आज का दिन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड यू मीन द वर्ल्ड टू मी। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय मदर। कहते हैं प्यार वो चीज है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, और अगर सही मायनों में इस दुनिया में अगर आप कोई रिलेशनशिप चुनो और उसके बारे में बोलो, तो सिर्फ एक ही रिलेशनशिप होती है जो एक माँ कि अपने बच्चे के साथ होती है। सो प्लीज एवरीबडी आउट देयर जस्ट लव योर पेरेंट्स, बिकॉज आपके पेरेंट्स जो प्यार आपको दे सकते हैं वो प्यार आपको इस दुनिया में कभी कोई भी नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर एवरीथिंग।